कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में महामारी मची है, जिसके चलते भारत को लॉकडाउन किया गया। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर को लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन सख्ती से करा रहा है और इसी के कारण प्रशासन और कारागार द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज को अस्थायी जेल बना दिया है, जिसमें लॉकडाउन का पालन न करने वालों को रखा जा रहा है। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ये शासन का निर्देश है कि एक अस्थायी जेल का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्थायी जेल हैं, कारागार हैं, उसमें कई सारे जितने भी मुलजिम हैं, वह हमारे रहते ट्रायल पर हैं या वैसे हैं, उनका ऑलरेडी वहां पर थर्मल चेकिंग हो चुकी, उनकी टेस्टिंग हो चुकी, वह इस समय से हैं। यदि कोई दूसरा नया आदमी जाता है जो अपराधी है या गिरफ्तार होता है, तो उसको प्रॉपर थर्मल चेकिंग के उपरांत ही कारागार में भेजेंगे। इमरजेंसी में जो हमने यहाँ पर एक अस्थायी जेल बनाई है डीएवी इंटर कॉलेज में, ताकि इमरजेंसी में यदि कोई अपराधी या कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे मुकदमे में वांछित हो तो उसको जिला कारागार में ना भेजकर टेम्परेरी रूप से यहाँ रखा जा सके। जनपद में एक अस्थायी जेल बनाई गई है डीएवी इंटर कॉलेज ओल्ड बिल्डिंग। इसमें चूंकि जिला कारागार जो है वो पूरी तरह हमारा सुरक्षित है, सैनिटाइज है, उसमें सभी मरीजों की थर्मल चेकिंग हो चुकी है। ऐसे में यदि कोई ऐसा केस आता है जिसमें उसमें कोई सिम्टम हो और वो कैदी भी हो, तो उसके लिए हमें उसको हम जेल में रखना सुरक्षित नहीं है, जिसे संक्रमण फैल सकता है, इसलिए हमने उनके लिए एक अलग से अस्थायी जेल की व्यवस्था की है, ताकि उनमें सारी वही व्यवस्था रहेंगी जो जिला कारागार में होती हैं, ताकि यदि कोई कोरोना से संक्रमित या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको अपराध में कारित हो उसको हम वहाँ पर रख सकें। सर कितने दिनों के लिए अस्थायी जेल में? ये है, अभी तो काम चल रहा है, जब तक ये कोरोना संक्रमण से सारा बचाव नहीं हो जाता तब तक जेल रहेगी। कौन कौन लोग रहेंगे इसमें? केवल वो रहेंगे लोग जो जिनको कोई लक्षण है, सिम्टम है, अपराध कारित हुआ है, कोई मुकदमा पंजीकृत है, कोई दिक्कत है, तो उनको हम यहाँ रखेंगे।